दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको हमने एक पीवीसी पाइप से जो नल का पाइप रहता है फिटिंग का उससे हमने एक कपड़ा सुखाने के लिए एक स्टैंड बनाया है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये चार पाइप है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 फीट के पाइप है यहाँ से यहाँ तक के, ये इस कोने से इस कोने तक 2 फीट मैंने काटा है, ठीक है। और ये जो पाइप है यहाँ पे, ये जो पाइप है इस टी से इस टी तक मैंने 6 इंचेस का काटा है। आप इसे 4 इंचेस का भी ले सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ी जगह ज़्यादा लेने के लिए इसके 6 इंचेस काटा है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ मुझे 6 टी लगी हैं, 1 2 3 ये 4 5 6 6 टीज लगी हैं मुझे यहाँ पे। और यहाँ आमतौर से लोग एक और आगे एल्बो लगा देते हैं और इसको राउंड कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसा नहीं किया है ताकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक पाइप लगा के और यहाँ एक पाइप लगा के इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ। आप भी चाहें तो इसको, ये मेरी 3 स्टेप की है 1 2 3, लेकिन आप चाहें तो इसको और बड़ी स्टेप में बना सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स ये 4 to 5 स्टेप्स की बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाएं नहीं तो ये टूट जाने का डर है क्योंकि इतना कपड़े का लोड नहीं ले पाएगी। आप चाहें तो 2 बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की है, एक तो ये मैंने एल्बो लगाया है तो लगता ही है, तो यहाँ पर एक एल्बो यहाँ लगा हुआ है, एक एल्बो यहाँ लगा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इसको मैंने पाइप से ही काट के लगा दिया है, ये पाइप ही है, इसको मैंने पाइप को यहाँ से कट किया, ये 2 है, 1 11 और 1 11, ये 2 मैंने स्टैंड बनाए हैं इसके। सिंपली मैंने ये पाइप लिया, इसमें एक छोटा कट लगाया है यहाँ पे, छोटा सा कट लगाने के बाद में ये इसको मैंने यहाँ से स्क्रू इसमें उतार दिया, स्क्रू यहाँ पे अंदर लगा के, और मैंने इसको जैसे ही पुश किया ये इसके अंदर फिट हो गया। ये आप देख सकते हैं ये पाइप ही है। इस पाइप को अगर आप थोड़ा सा काटेंगे, थोड़ा सा, इतना सा काटेंगे बिल्कुल ज़रा सा यहाँ से, तो ये पूरा पाइप फैल जाएगा। जब आप दूसरा पाइप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये पाइप फैल जाएगा, तो आपको अलग से मार्केट से क्लिप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। और मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए ऊपर एक वॉल में जो प्लग लगता है वो प्लग लगा के और मैंने एक स्क्रू उसमें कर दिया, और वहाँ पर भी मैंने एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा जो बचा था इसका रब पीवीसी पाइप का, आपको दिख रहा होगा शायद, ये मैंने इसमें लगा के उसमें डोरी राउंड अंदर घुमा के और उस पर लॉक करने की कोशिश की, जिससे ये बेहद मजबूती से लग चुका है इस पर, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया है। अब ये आप देखेंगे, ये मैं इस पर वज़न दे रहा हूँ, इस पर आप अच्छे खासे कपड़े इसमें टांग सकते हैं, चाहें तो आप इस पर हैंगर यूज़ करके भी कपड़े टांग सकते हैं। आपको एक्चुअल में यहाँ पे 4 पाइप लगेंगे, 1 2 3 और ये 4, लेकिन आपको यूज़ के लिए 1 2 3 3 ही पाइप मिलेंगे, 14 पाइप दीवार में फिट है इसलिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको और बढ़ाना है तो यहाँ से एक पाइप और निकाल सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको बहुत से बहुत 5 पाइप का बना लें, 1 2 3 4 और एक और बना लें 5, इतना काफ़ी है, ज़्यादा ना बढ़ाएँ नहीं तो ये लोड ज़्यादा हो जाएगा कपड़े का और ये टूट भी सकती है क्योंकि ये पीवीसी। हाँ, इसमें आप 1 इंच ही, आधे इंच का पाइप है, इसमें कहीं लिखा होगा, ये आपको शायद दिख जाए इसके अंदर, मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की, ये 1/2 इंच का पाइप है, ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। तो इसमें आप चाहें तो 1 इंची का पाइप ले सकते हैं और मजबूती और बढ़ाना हो तो 2 इंची का भी ले सकते हैं। और ये जो पाइप मुझे आया ये 10 फीट का पाइप था, 10 फीट में से 8 फीट तो ये हो गया, 2 4 6 8, ठीक है। और
इसके अलावा मैं दो पाइप लाया था ये, तो ये जो 6-6 इंच के मैंने इसमें से पीस काटे, तो मुझे एक पाइप में से 2 फीट का और पार्ट लग गया, थोड़ा सा इसमें से काम आ गया, थोड़ा सा उसमें से। अगर आप इसे थोड़ा छोटा गेप देंगे तो आपका एक पाइप में ही काम हो जाएगा। तो ये एक पाइप जो मुझे पड़ा वो 130 रुपये का आया था, ये 15 रुपये का एक है, और वो एल्बो भी 15 रुपये की एक है। मतलब अगर ये 6 हैं तो 15, 30, 60, 90, मतलब टी के जो हो गए वो 90 रुपये हो गए। 130 रुपये का मैंने पाइप लिया, ठीक है, 90 और इसके भी जोड़ी लेते हैं, 90 के बाद में ये 30 रुपये इसके हो गए 110 और 130 का पाइप, तो टोटल हो गया आपका 240। ये 250 रुपये करीब की, 240 रुपये की मुझे कंप्लीट आई है। इसके अलावा मेरा कुछ नहीं लगा, इसके अलावा जो ड्रिल वगैरह ये लगा ये मेरे घर पे था, मेरे पास था, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, बाकी मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ है। तो अगर आप इसे बनाएं, ये बहुत शानदार चीज़ है, आप इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी किसी भी दीवार पे इसको फिट कर सकते हैं, और ये इजीली निकल भी जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा। अभी मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ, ये ऐसे खींचेंगे ये भी बाहर आ जाएगा पूरा ऐसे कैसे ही। ये यहाँ से ये सारे पाइप कनेक्शन अलग अलग निकल जाएंगे, मैंने इनको चिपकाए नहीं है, ये खाली ऐसे ही मैंने फिट किया है, हथौड़ी से इसको ठोक दिया है हैमर से, और मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया कि कभी मुझे इसको हटाना या नीचे रखना रहा तो इसको पूरा वापस से ओपन कर सकता हूँ, एडजस्टेबल है ये। अगर आपको ये चीज़ हमारी पसंद आई है बनाई हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम कुछ कुछ यहाँ पे बनाते रहते हैं, तो हम आपको यहाँ पे डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आती है, या कोई आप किसी चीज़ पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कृपया उसके लिए कमेंट करें, हम उसके लिए ज़रूर आपको वीडियो बना के पेश करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।